तबला वादन एवं बातचीत की रिकॉर्डिंग हो रही है। पंडित भारतेंदु वाजपेयी आपसे वार्ता करेंगे तथा सारंगी पर लहरा दे रहे हैं पंडित भगवान दास मिश्र। खास साहब, प्रसाद तबले के 6 घराने माने जा रहे हैं। दिल्ली, अजराड़ा, लखनऊ या पूरब, हाँ, बनारस, फर्रुखाबाद और पंजाब। तो आप गोया लखनऊ के खास, बिल्कुल खास हैं। उस घराने के बारे में आप हम लोगों को जानकारी थोड़ी सी दें, इस बात की जानकारी कि कब से शुरू हुआ, कौन बुजुर्ग आए और फिर आज तब से अब तक कैसा। सबसे पहले दिल्ली से मियाँ बख्शु जी आए और उनसे सिलसिला चला। वो उनके साहबजादे मम्मू जी थे और शुजाउद्दौला के दौर में भी आए और आसफ़उद्दौला के दौर में भी सुना जाता है। बहरहाल आए पहले बख्शु जी, मम्मू जी उनके लड़के थे और मक्कू जी भाई थे, दो भाई थे। ये देख तो दिल्ली में रह गए, लेकिन आए बख्शु जी और मोदू खां साहब भी साथ आए। साथ आए उनके। वो भी भाई थे। वो भी भाई थे। मम्मू जी के साहबजादे थे मोहम्मद खां साहब। मोहम्मद खां साहब के साहबजादे थे मुन्ने खां साहब, आबिद हुसैन खां साहब और नादर हुसैन खां साहब। ये तीन साहबजादे थे। बड़े थे मुन्ने खां साहब, उनसे मंझले थे नादर हुसैन खां साहब, उनसे छोटे थे आबिद हुसैन खां साहब। आबिद हुसैन खां साहब की कोई औलाद थी नहीं। ये भतीजे भी थे वाजिद हुसैन खां साहब और दामाद भी हो गए थे जी हाँ वाजिद हुसैन खां साहब। तो वाजिद हुसैन खां साहब तक ने संभाला। छुट्टन खां साहब का भी मेरा ख़ानदान में है जिक्र, लेकिन एक सिलसिला एक है, एक वो सिलसिला दूसरा है। छुट्टन खां साहब भी लखनऊ घराने के नानाओं में से लगते हैं। आबिद हुसैन खलीफा के भाई नहीं थे? भाई नहीं थे। अच्छा, जैसे वो मुन्ने खां साहब के दौर से नाना थे, जैसे नाना दादा, तो ये दादा का दौर चला आ रहा है नाना। तो इस लिहाज से वो अब उनके साहबजादे वाजिद हुसैन खां साहब के हम हैं, समझिए। अब हमारे बाद इलमास हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि संभालें या ना संभालें। मुझे कुछ लगन थी इसकी कि मैं कलकत्ता भी चला गया था कि कम से कम लखनऊ घराना रहे, और नहीं तो मेरे बाद तो ख़त्म ही था मसला। ये छोटे थे। अब लखनऊ घराने के उस्तादों ने, यानी पहले तो दिल्ली का तबला था मियाँ बख्शु जी के वक्त में, अब जब लखनऊ आए तब यहाँ नाच भी शुरू हुआ। ये लखनऊ में पहल आसफ़उद्दौला के दरबार में प्रकाश जी वगैरह आए हैं। सितार में गया रजा खान ने सितार में नया बाज ईजाद किया। ठुमरी भी यहीं से लखनऊ से गई, समझ। तो उसकी संगत के लिए आपके ख़ानदान ने दिल्ली के तबले में क्या क्या तरजीह की, क्या क्या चीज़ें बढ़ाई और कैसा बाज को उन्होंने बदला, और इस बारे में भी जानकारी। अब दिल्ली के तबला तो वहीं तक महदूद है, किनार तक। यहाँ तो स्याही से ज़्यादा बातें की गई हैं जी। अच्छा, स्याही पे ज़्यादा प्रचार है लखनऊ का तबला जो है। अच्छा, अब रहा ढुमरी के साथ की संगत का, वो लगी जो है तो कायदे की आधी कटिंग है। अच्छा, उसके आधे बोल हैं जो वो उसको सजा बना के ठुमरी के साथ में लग्गी में बजाए जाते हैं। तो नई उसकी संगत के लिए नई लग्गियाँ बनाई गई, बनाई जाए। पुरानी भी हैं और नई भी हैं, आजकल के ज़माने की भी हैं और उस ज़माने की भी हैं। सितार के संगत के लिए नए बनाए, अलग अंदाज है। तबला ऐसा साज है कि 10 के साथ बजता अंदाज में, वो गाने वाले के साथ की संगत के लिए उसका दूसरा हिसाब है, तन के साथ का हिसाब दूसरा है सितार सरोद के लिए, और ना डांस के लिए अलग बोल हैं और सोलो अलग है। बल्कि एक दफ़े किसी किताब में हाथरस से निकला था, तो उसमें आबिद हुसैन खां साहब के बारे में ऐसा लिख दिया था एक किताब में कि आबिद हुसैन खां साहब सिर्फ डांस बजाते थे, तबला नहीं जानते थे, तबला नहीं बजाते थे। फिर दूसरी किताब मैंने देखी, मुझसे जब शागिर्दों ने कहा कैसी सी बातें, मैंने कहा अच्छा मैं गौर करूँगा नहीं तो लिखूँगा। तो दूसरी किताब इत्तेफाक से नज़र से गुजरी, तो उसमें लिखा कि नहीं वो सोलो भी बजाते थे। अब आप इरशाद, आपको जो कुछ बातें करना है वो मतलब तो ये कहने का ये है कि नचकरण के बाद में उस्ताद बख्शी जी के ज़माने से शुरू हो गया, और उसके बाद फिर मुन्ने खां साहब, आबिद हुसैन तो इतने बिंदादीन और कालका महाराज के साथ हमेशा वही संगत की है। हाँ, तो पूरे नचकरण के बाद में पखावज के बोलों को मुलायम करके उन्होंने नए बोल बनाए होंगे। हाँ, एक थोड़ा सा उसको बोला, उसकी उपज जो है ना, हम लोग उसको उपज औचार कहते हैं कि अच्छा। उसकी औचार सजावट के तबले के बोलों में उसको सजाया, और कुछ पखावज के बोल दकीक मुश्किल भी पड़ते थे तो उनको भी अपनाया, वो भी हैं पखावज के बोल, और कुछ नकारे के भी सजाया, उसको भी वो भी आए।
लेकिन डांस पूरा नहीं है, कुछ डांस में ऐसे पद हैं, कुछ ऐसे श्लोक हैं कि जो तबले में है ही नहीं बोल, तो उसकी हम लोग औचार उसकी यानी उसका एक ब्लैटिंग पेपर बना के दिमाग से सजा के तबले के बोलों में साधते थे, उस तरह बनाए गए। उस तरह दिल्ली का तबला जो था वो तो सिर्फ किनार में सबसे ज़्यादा उसमें प्रधान है, इसमें चूँकि नाच के साथ गंभीर पखावज का भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा जरूर है, तो स्याही और लव और थपिया के बजाय छंगुनिया के थाप वगैरह के इस बात जोरदार तबला बना, लेकिन पखावज हटाते हुए पखावज को मुलायम करके बोल बनाए गए। पर ये ऐसा नहीं कि पखावज ही है सिर्फ, नहीं 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 तबला है खास बनाए गए। अब जैसे कि वो धुमकिट के धुमकिट की जगह धिनकिट धिनतरिकिट इस तरह से यूँ बोल उसको सजाए गए कि ताकि सहल पड़े। अब धुमकिट भी है लेकिन उसके अंदाज में इतना खुलासा, वो बड़ा साज है उसमें ज़्यादा आवाज़ की गंभीरता है, इसमें आवाज़ कम आ सकती है। हम धुमकिट को भी आप उसी अंदाज से सुनाएंगे कि अंदाज़ा लगे कि पखावज के अंदाज की धुमकिट है, जैसे था पखावज के अंदाज की है, तो वो भी एक अंदाज़ा आपको देंगे। उस तरह के ऊपर टुकड़ा में भी छोटे छोटी सी बातों में है, लेकिन उसमें ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सा हम आपको सजावट देते जाएंगे जहाँ तक है। और उसके अलावा ये कि सोलो हमारे वहाँ जो है वो अलहदा बिल्कुल अलग भी है, इन्हीं के डांस के ही साथ के हैं और तन के साथ तबला सोलो नहीं जानते हैं, डांस ही के मतलब के ज़्यादा। ये वाजिद अली शाह के दौर में ज़्यादातर बिंदादीन महाराज और कलका महाराज का साथ रहा, इसलिए ज़्यादा प्रचार ज़्यादा इन लोगों का, इनका साथ ज़्यादा गुजरा। मुन्ने खान साहब का भी और आबिद हसन खान साहब का भी साथ में, और ज़्यादा खूबसूरत तो मुन्ने खान साहब थे, बड़े मुन्ने खान साहब जी हाँ, लेकिन ये ज़्यादा घूमे, ज़्यादा बहुत घूमे, हिंदुस्तान भर घूम लिए ज़्यादा, वो ज़्यादा कहीं जाते नहीं थे, तो इसलिए आबिद हसन खान साहब को भी बहुत गैरत हुई, ये ज़्यादा सामने आ गए, तो ये भी डांस में ही मशहूर ज़्यादा थे और सोलो में तो थे ही। तो अब संगत के बाज के लिए यानी अलग अलग, जैसा आपने हम लोगों को बताया अलग अलग बातें कि नाच के संगत के वास्ते अलग अलग आमद बनाई गई, उसमें पढ़ने बांधी गई, उनके गतें बनाई गई, टुकड़े बंदिशें बांधे गए, टुकड़े बांधे गए, सितार के संगत के लिए नए रेले बनाए आप लोग, रेले कुछ कायदे छोटे छोटे, कुछ छोटे छोटे तिहाइयाँ, ठुमरी के संगत के लिए उसके आधे कायदे के आधे बनाई 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 गई, और सितार में चूंकि झाला जब चलता है तो उसके साथ नाधी धिन्ना यानी तीन ताल का प्रधान है सितार में, इस वास्ते तीन ताल के ठेके की कई किस्में बनाई गई होंगी कि मतलब हाँ, उड़ जाए वो सहूलत के लिहाज से, सहूलियत के, अब ये उंगलियाँ हैं, मशीन तो है नहीं, उनको स्ट्रोक सहल पड़ता है, वो तो बहुत दूर तक ले जाते हैं। आजकल आप 8 वर्ष के बच्चे को सुनेंगे 10 वर्ष के, तो वो झाला फेंकेगा जो नाधी धिन्ना तैयार से तैयार तबलिया नहीं जा सकते हैं, तो उसकी औचार बना के उसको सहल करके कोई झेठे से चला जाता है, कोई धिन से चला जाता है, धिन से चला जाता है, सहूलत में कि हमें जाना तो मंजिल है, दूर तरकीबें आप जाना है लान ने बनाई लखनऊ जी हाँ। तो अब जैसे दस दिन जो सहल पड़े बोल उनको लेके उड़ गए साथ में, क्योंकि उनके साथ हमें जाना जरूर है, ये बातें थी। अब जब तबला, ये तो संगत का हुआ, अब जब तबला सिर्फ सुनाना है सोलो, तो उसमें क्या बरता गया आपके यहाँ कि जैसे उसमें ये प्रथा है कि पहले पहले जब शुरू करते हैं सुनाने के लिए तो पहले ठेका कायम किया, वो तो ठेका बुनियाद है बिल्कुल, उसके बाद फिर छोटे मोहरे दिखलाए, पहले हमारे वहाँ उसके बाद खास चीज पेशकारा है, पेशकार भी है, पेशकार भी आपके बाद बनाया गया होगा, दिल्ली की पेशकार तो है लेकिन आपके यहाँ उसको तरजीह और भी, लखनऊ की पेशकार सुनने में नहीं आती है। अच्छा वाजपेयी जी, आज तक भी अभी तक सुनने में किसी ने नहीं सुनाई हो? हाँ, दिल्ली का ज्यादातर बचता है। हाँ, मुझे इत्तेफाक से किताब ऐसी पुरानी मिल गई, ये तो आपको भी कुछ पता हो शायद कि मेरे वहाँ पोथी थी, लेकिन वो घुन खा गई और कुछ पता ना लग सका, वो हत्या नहीं लगी, और कुछ उसमें बोल भी लिखे गए थे तो उसमें मात्र प्रसारी नहीं थी, जो समझ में नहीं आ रहा कि डेवड़ी लय क्या है या सवाई क्या लय किस छंद में है। ऐसा सुनने में आया कि लखनऊ के उस्ताद थे एक जाकिरुद्दीन, उनके पास थी जाकिरुद्दीन, आपके रिश्तेदार थे वो, नाना को में उनके छोटन खान साहब के सगे भाई थे। अच्छा। ये तीन भाई थे, लाडले खान साहब और जाकिर हुसैन और छोटन खान साहब। ये सिलसिला क्यों था तो उनकी भी एक बात मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो भी लखनऊ पुराने। सोलो में यही हुआ कि पहले मोहरा मुखड़ा हुआ, फिर पेशकार हुआ, पेशकार उसके बाद, फिर उसके बाद कायदा मुख्य चीज है, कायदा उसके बाद फिर गतें। कायदा बहुत बड़ा मायने रखता है, अगर कायदे में है, और अगर बेकायदा है तो उसका तो कुछ जवाब नहीं। गतें और उसके बाद फिर रेला, तो रेला या टुकड़ा उकड़ा वगैरह, रंग छंद लयकारी, ये तो इसमें है ही, लेकिन एक सुर का ये बाजा साज है, इसमें मैंने भी ये ज़रा ज़्यादा सोच की कि एक सुर के लौ कायम रहना चाहिए, चाहे स्याही पे हो चाहे किनार पे हो। अच्छा, क्योंकि एक सुर है, उसको हम आपको बता के बताएंगे भी कि कहाँ से सुर बंद होगा, कहाँ से सुर खुलेगा। सुर है ईश्वर, एक तो इधर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है, दूसरे कायदे और रेलों और छंद में लयकारी में भी कुछ मैंने थोड़ा सा
बढ़ावा दिया सोचा है। पखावज के बोल जो कुछ हैं वो तो उसमें सजावटों में नकारे भी हैं, वो भी आपके फरमाइश के हिसाब से मैं बजा दूंगा। लेकिन अच्छा। तबला सोलो भी हमारे वहाँ इन ये जो चीज़ें ना भी हों तब भी तबला सोलो बज सकता है, घंटा दो चार घंटे अलग एकदम सुना जा सकता है। लखनऊ के उस्तादों तो सोलो हमेशा बजाइए ही, इसने दो दो घंटे बराबर तबला दिखलाया है हर तरह का, उसमें बाज दिखलाया इस तरह का। हमारी सुन थोड़ा सा नमूना आप पेश करें जैसा आपको कौन सा। मैं पहले मोहरे से शुरू होऊंगा। अच्छा, उसके बाद वो आप पहले तीन ताली शुरू होंगे, तीन ही ताली बजाएंगे। पेशकार ये अच्छा, वो बड़े मुन्ने खास साहब को सुना रहा हूँ आपको पहले, उसके बाद लखनऊ घराने की जी मोहम्मद खास साहब को। Thank you.
बड़े मुन्ने खान साहब थे, अब मोहम्मद खान साहब। अच्छा, ये स्याही पे है जी। अच्छा, वही चाला है वही। किनार के बजाय लौ कर दी है। लौ कर दी, चलन वही है, वही है। पेशकार सुर पे और स्याही पे सब बाज लिया रहा है। जी हाँ, पूरा लिया गया है। वाह वाह, जो कि आज तक सुनने में नहीं आई। नहीं आया। लखनऊ जी हाँ, मतलब दिल्ली के पेशकारे की छवि रही, लेकिन सब सी आपने वो हाला वो हाँ, समझ में आ रहा है। ये स्याही और उसमें पड़ता वो लोग किनारे में बनाते थे, इन्होंने स्याही पे साधा उन्होंने। वही चलन है, वही चला है, छवि वही है। अब वो धीर के जिंदा दादी ना, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, मगर जितने बोले उतने ही बोलो मैं। जी हाँ, जैसे जो वो दिल्ली की छवि लिए हुए किनार पे। जी हाँ, जैसे कि दूसरी सजावट दी गई उनसे मैं रोक के मैं दूसरा अंदाज से जा रहा हूँ। जी अच्छा, होंगी वो उन्हीं में बातें। Thank you.
थोड़ी थोड़ी जो बातें करते जा रहा हूँ मैं जी। अब इसमें एक एक बंदिश मैंने बनाई है इसी पेशकार की। इसी तरह की मैं किनार और सियाई लेके गया हूँ जी। अच्छा, और लखनऊ के तिटे लेके गया हूँ। कायदे शुरू हुआ जी। अच्छा, सही से
अपना घराना। स्याही और किनार दोनों में कायदा बरता गया।